आज हम बनाने जाएं वेज सैंडविच। बंधा लेंगे, इसको बहुत ही बारीकी से काट लेंगे जी, बहुत ही बारीकी से काटेंगे जिससे कि अच्छे से पतला और उसमें अच्छे से मिल जाए फिनिश में। तो बंधा हमारा कट रहा है। हमारा कट के रेडी हो चुका है। अब हम गाजर को काटेंगे और बहुत ही बारीकी से काटने के लिए पहले हम इसकी स्लाइस निकाल लेंगे पतली पतली। तो पतली पतली स्लाइस निकाल कर अब हम इसको जब काटेंगे ऐसे तो बहुत ही बारीकी से कटेगा, क्योंकि सैंडविच में जो है बहुत ही बारीकी कटिंग जो है पड़ती है। तो ये हमारी गाजर भी कट चुकी है अच्छे से, तो हम एक बाउल में कर लिए। और इसमें हम थोड़ा साल्ट डालेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए, ये एक्स्ट्रा पानी छोड़ देगा। 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 5 मिनट हमारा जो है छोड़ चुका है एक्स्ट्रा वाला बंधा। इसका जो है हम पानी निकाल लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा पानी जितना है सारा निकल रहा है, निकल जाएगा वैसे ही। हमारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया, अब अच्छा हुआ बिल्कुल। अब इसमें जो है मेयोनीज डालेंगे। ये मेयोनीज है हमारा, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। और मेयोनीज आप लोग घर पे कैसे बना सकते हैं उसकी भी वीडियो जल्दी एक डाल देंगे, क्योंकि आप घर पर बना सकते हैं। ये हल्का सॉल्ट आप नहीं भी डालेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि मेयोनीज में भी सॉल्ट होता है। और पहले से ये वाइट पेपर डाल रहे हैं, ये शुगर सिरप। शुगर सिरप हमारा, अगर शुगर सिरप आपके पास नहीं है तो जो शुगर होता है शुगर के दाने भी डाल सकते हैं चीनी, और उसको जब मिलाएंगे अच्छे से तो अपने आप मेल्ट हो जाएगा। ये हमारा जो है अच्छे से मिल गया है, इसको हम कोचलो भी कहते हैं। तो कोचलो हमारा रेडी हो जाएगा। ये सैंडविच ब्रेड लिया हमने, और आप लोगों को कभी कभी रेस्टोरेंट में अगर जाते होंगे तो वहाँ जम्बू ब्रेड ज़्यादातर चलता है रेस्टोरेंट, और ये भी चलता है। अगर जम्बू ब्रेड नहीं है या ये सैंडविच ब्रेड नहीं है तो आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। इस पर हम अब मेन्यूस लगा दिए हैं, देखो अच्छे से। अब दो पर भी लगा दें, ऊपर से रख सकते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेबल उस पर लगा रहे हैं तो हम तो यही कहते हैं कि जितने बड़ो सभी पर थोड़ा लगा लो, जैसे कि ऊपर नीचे अच्छे से उसको बढ़िया से चिपका ले कि खुले ना, इधर उधर भागे ना ब्रेड। तो ये हमने जो है खीरा लिया है, इसकी पतली पतली स्लाइस काट लेंगे।
स्लाइस लगा देंगे, दो या तीन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब हम टमाटर लेंगे, इसकी भी स्लाइस काट लेंगे अच्छे से, ये भी लगा देंगे। ये हमारा जो है बेस सैंडविच रेडी हो चुका है। अब इसको हम काट देंगे और काट कर जो है प्लेट में सजा देंगे। देखिए कितने अच्छे से स्लाइस कट रही है हमारी, और शाइनिंग भी बढ़िया है, देख सकते हैं आप। रेस्टोरेंट में ऐसे ही जाता है अच्छा सैंडविच हमारा। ये हम डेकोरेशन के लिए फूल बनाकर रखते हैं।